pun. My dick. कोप भवन गवनी कहके राजा कैसे बनता है। दीपक जलाए जा रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही है। Thank you.
महारानी कई कई दिखाई नहीं दे रही है। महारानी को भवन में, को भवन में, हाँ महाराज बहुत नाराज है। आज तक हमारे रकुल वंश में कोई भी कोप भवन में नहीं गया, क्या होने वाला है विधाता, कुछ समझ में नहीं आता है। चारों तरफ राजाभिषेक की तैयारियां चल रही हैं और महारानी कह के कोप भवन में चलता हूं, देखता हूं क्या बात है। सांझ समय शाम दनी को गए कई कई गे गवन नठरता निकट किए जन भर दे सने। है बस अगहू न परई न पाऊं, दुपत बस पाह बल जान के नरपति कल रहई जान के। महारानी कह गई क्या बात है? महारानी कह गई इतना क्रोधित मत हो, क्या बात है। किसी ने कुछ कहा कौन ऐसा बदगुमानी है जिसने आपके साथ ऐसी गुस्ताखी की है, जाहिर पता मुजरिम का हो, उसको सजाए मौत दो, चढ़ाकर फांसी के तख्ते पर मुल्के अदम को भेज दूं। महारानी बताओ, हे प्राण प्रिय है, यह क्या बोलो तो रंग बेढंग क्यों है, देवत फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है। कहा बताओ, जिन आंखों ने हो त्रास दिया वह आंखें फुलवा दूंगा मैं, जो जिह्वा कड़वा बोली हो वह जिह्वा कटवा दूंगा मैं। महारानी बताओ, लटके मोती क्यों
बिखरे हैं मन मार मार क्यों मचलाते लटके मोती क्यों बिखरे हैं मन मार मार क्यों मचलाते पड़ गई मागे उलझन में हो का कुल रंग बदला महारानी आपका इस तरीके से कोप भवन में रहना शोभा नहीं देता रानी क्यों कोप भवन में बैठी हो क्यों तुमको भारी पल पल है जो तुम्हें प्राण से प्यारा है उसका अभिषेक दिवस कल है महारानी कैकेयी इस तरीके से आपका रूप अच्छा नहीं लगता आप तो जानती हैं कि तीनों महारानियों में सबसे ज्यादा अगर मैं मानता हूं तो आपको मानता हूं उठो महारानी उठो सोलह श्रृंगार करो क्यों धूल धूसरित हो रानी क्या उलझन है क्या पीड़ा है क्या इच्छा है मागो रानी महाराज सुनिए सम्मान मां का रानी जी पूछो अपने इन पटियों से प्रियतम की प्रिया इसी से हो भरती हो जिन्हें मोतियों से ऐसे वैसे से मत मांगो मांगो उससे जो पूरा हो जो सदा मांग का प्रेमी हो जो सदा बात का सच्चा हो छोड़ो यह कविता जाने दो बदलाओ
श्री महाराज तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्य दो वर तो कोई चीज नहीं, तू जितना चीज चाहे ले लो, मैंने सीखा है नहीं नहीं, जो भी मन को भाए ले लो। गरजे तो वत बरसे न भूद, यह सब धोखा मेघों में है, मैंने जो कहा किया, मैंने जो दिया दिया, बस एक बात हम मर्दों में है। महारानी जी, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती हूँ मैं उपहास नहीं, मुझको तो अब सच है यह पुरुषों का विश्वास नहीं। सच्चे हो हे रघुवंशी, सौगंध राम की खा जाओ। महारानी, राम की सौगंध? अरे तुम क्या कह रही हो? हाँ महाराज, मैं ठीक कह रही हूँ। महारानी, क्यों व्यर्थ में बढ़ा रही हो राण? तुम ही बताओ मेरा कभी झूठा रहा व्यवहार? ये आकाश के तारे पृथ्वी पर चाहे बिखर जाए, पृथ्वी के जीव आकाश में चले जाए, माणिक समुद्र में हो या पहाड़ों में मगर जाए, पर हम वह नहीं रानी जो अपनी बात से मुकर जाए। परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा, रघुकुल नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। लो शपथ लेकर सुनो, अब यह मेरा कथन है, यह वीर प्रतिज्ञा है, क्षत्रिय का वचन है, मध्यस्थ मेरी बात का यह राजभवन है, साक्षी आकाश पृथ्वी और कौन है आम पहली बार उस पाप नाम की खाता हूँ तेरे सामने सौगंध मैं राम की। महाराज एक बार
और हैरान दूसरी बात उस पाप नाम की, खाता हूँ तेरे सामने सौगंध में अब राम की। महाराज एक बार और हैरान तीसरी बार उस पाप नाम की, खाता हूँ तेरे सामने सौगंध में अब राम की। ठीक है महाराज, आप आराम से बैठिए। सुनिए महाराज, कहो महारानी, मैं तुम्हारी खुशी के लिए। बोलो सुनो प्राण पति प्राण किया है। सब पुत्र पिता को है समान, तू भी यह बात जानती है एक समान मुझे राम भरत वह त्रिभुवन नायक साक्षी है। मंत्री सुमंत को भेज करके भरत और शत्रुघ्न को बुला लेता हूं और भरत का राज्याभिषेक करवा दूंगा। सब राम वनों में वास करे फिर भी वह 14 वर्षों को उसमें क्या तूने सोचा है, मैं समझ न पाया भेदों को। रानी ने राज भरत ही को पर और क्रूर व्यवहार न कर, है राम गऊ साथला पात उस पर इतना अन्याय कर। रानी 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 यह तेरा पति जो तेरा पूज देवता है इस समय पकड़ कर पहुंच रहा बस इतनी भीख मांगता है, तपसी होकर भी दूर न हो मुझसे आनंद धाम मेरा
है राम मेरा। महारानी कह गई तू मेरे प्राण ले ले, लेकिन मेरे पुत्र वियोग में मुझको मत मार रानी, मत मार। नहीं महाराज, दो वर जो मैंने मांगे हैं मैं उनको बदल नहीं सकती, पर गई रेख जब पत्थर पर धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय सुझाती हूँ, इन बूढ़ी आंखों के आगे वह रहे उपाय बताते। और देश बात घर ही में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं, तुम अपने मुख से यह कह दो दूंगा पिछला वरदान नहीं। महारानी कह गई वो नीच बुद्धि वाली नारी ऊंचे से हमें गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें टिकाती है। हम सूर्यवंश की चादर में कालिमा नहीं आने देंगे, सुनती है सर्वस्व दे देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। क्या उलझन है, क्या उलझन है वरदान दे तो धर्म हमारा जाता है उस ओर, राम बन जाता है तो प्राण सिधारा जाता है। अगर हाँ कहूँ तो सुधा राम होवे, अगर हाँ कहूँ तो सुधा राम होवे, अगर ना कहूँ तो धर्म जगमगाए उधर राम जाए रे जाए, उधर राम जाए रे जाए इधर प्राण जाए उधर राम। चित में चिंता बढ़ी चेतना खो गई, जो कली अदखिली वो खिली रह गई। हवाओं से मिलकर, हवाओं से मिलकर जो दिए थे जलाए। महारानी कह गई राम को रघुकुल को आगे बढ़ाने में मेरा ही हाथ नहीं है, तुम्हारा ही सहयोग है। हवाओं से मिलकर जो दिए थे जलाए, पैरन हवा ने आकर उसे भी बुझाए, उधर राम जाए रे जाए इधर प्राण जाए, उधर राम जाए रे जाए इधर प्राण जाए। महारानी चंद्र टरे सूरज टरे, टरे वैर्य और प्रीत, टरे न क्षत्रिय वचन से, यह रघुकुल की रीत। सुनिए महाराज, सत्यवादी था निष्पारिस चंद, जिसने सत्य जान संकट में, जिसके सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है प्रगट। राजा सिवी थे जो नहीं सोचते थे अपना रक्षा पर, एक कबूतर की खुद मांस तोलते थे अपना। तीसरे हुए श्री युधिष्ठिर जो दान सुयश का लेते थे, जब आकर इंद्र मांगता था तो हड्डी अपनी दे देते थे। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा
मरघट का वास न मांग रही, मैं तुमसे सिवी दधिस जैसा हड्डी या मांस न मांग रही, मैं मांग रही अपना कर्जा जो देना तुमको वाजिब है, तुम हरिश्चंद्र के कुल में हो तो दे दो यही मुनासिब। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है जो तू मुझको लले कार रही, रानी तुम अपने पाँव में है आप कुल्हाड़ी मार रही। कर रानी तू स्वयं पछताएगी। रानी रानी आचल प्रसाद कर जा भी ले और दान भी ले, लीजिए महाराज, ले राज भी ले ताज भी ले और साथ में मेरा प्राण भी ले, मेरा प्राण भी ले, मेरा प्राण भी ले। राम राम रट भय विकल भुआलू, जन बिन पंख विहंग भुआलू। महारानी महाराज के क्या हुआ है, क्यों वे बेहोश पड़े हैं? मंत्री सुना।